वेलकम फ्रेंड्स, हम फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जो हमारा मिशन है हरियाणा जीके का, जो 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो 25 नंबर लेने के एक प्रयास के तहत मैं आपके लिए कुल 1000 क्वेश्चन मैंने लगभग तैयार किए हैं और उनमें से हम 150 पोस्ट कर चुके हैं। तो उससे आगे हम 151 से 200 तक के क्वेश्चन क्या है आज हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि जो मैंने अपील पिछली वीडियो में की थी कि आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपने सब्सक्राइब किया भी है हमारे यूट्यूब चैनल्स को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ही आपके कॉर्नर में एक रेड सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और इससे पहले जो वीडियोस हमने डाली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी हरियाणा जी के और जो कंडक्टर और ड्राइवर से रिलेटेड भी कई पोस्टें हमने की है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, चलो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपना पहला क्वेश्चन आज का, जो 151वां क्वेश्चन है, आप इसकी मार्किंग पे मत जाइए, पीछे वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यदि पहली बार आपसे पूछे तो 1967 में लगा था, दूसरी बार आपका 1977 में लगा था 10 साल बाद। तो हरियाणा में अब तक 3 बार, एक बार 1996 में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना कि कब कब ये थी तीनों डेटें, कब से कब तक लगी, तो आप एक बार इनको कंफर्म करना। लेकिन यदि क्वेश्चन में आता है कि कितनी बार लगा है, तो वो 3 बार लगा है। तो हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? बंसी लाल। तो जो बंसी लाल थे, और बंसी लाल को विकास पुरुष की भी उपाधि दी गई है, ठीक है, विकास पुरुष की उपाधि बंसी लाल को दी गई है, आपको ये भी याद रखना है। और हरियाणा में जो सभी जो बिजली का काम हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? इन्हीं के शासनकाल में, बंसी लाल के शासनकाल में ही वो 1970 में तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का जो काम था वो इन्हीं के उसमें। तो जो मैं क्वेश्चन से अलग बता रहा हूँ, आप इनको भी नोट करते रहना, एक को आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ में लिखा करो इनको अच्छी तैयारी के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा? तो वो थे तैयब हुसैन। तैयब हुसैन एक ऐसे नेता थे जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहे हैं। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं उसको। आमतौर से हम जैसे देसी लैंग्वेज में खंडका बोलते हैं उसको, जो सिर पे धारण करते हैं बूढ़े, तो उसको खंडवा बोलते हैं लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, वो है कि सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका नाम है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो पानीपत प्रसिद्ध है अपने हैंडलूम के लिए। और हमारी सेना में 80% जो कंबल है वो पानीपत से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं डायरेक्ट, और विदेशों में भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये मालिया से। तो काफ़ी फेमस है, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ भी काफ़ी फेमस है। पहली 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। तो तीनों ही इस तरीके से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, पानीपत से रिलेटेड कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। काला आम भी वहीं पे है। हरियाणा में कितने मंडल हैं? पहले होते थे 4 मंडल, लेकिन अब टोटल मंडल हो चुके हैं 6। पहले 4 होते थे, पुराना है, लेकिन अब कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं। तो आपको इस बात का भी नोट करके रखना है। हरियाणा में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 5 सीटें हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? जैसे मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ, और हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार। तो पहली बार लगा था 1967 में, 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेलों में सरोवरों में स्नान और पितरों के शुद्धि के लिए पिंडदान में बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो ये पेवा मेले में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फलगू का मेला।
नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राजा नूरकर्ण ने करवाया था। देवी तालाब में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी। और ये देवी तालाब शिव मंदिर है कहाँ पे? ये पानीपत के अंदर है मित्रों, इस बात को भी नोट कर लो, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं, तो कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पे। और कुरुक्षेत्र में स्थित आपका जो पुष्प सरोवर है वो आपका क्या है, एशिया में सबसे बड़ा मैनमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस लोक नृत्य में चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? धमाल नृत्य। हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? झज्जर व महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में मंजरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवात क्षेत्र में। निम्नलिखित में से लोक नृत्य बांगड़ किस क्षेत्र में किया जाता है? लूर नृत्य क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरबोध के समय में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो वो था आपका पेवा। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती आपके सबसे लंबे तक रहे। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेवात में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? 1586 वर्ग किलोमीटर। आपको ये क्वांटिटी याद रखनी है, 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? तो 3.59% पर वन आवरण है, जो कि हरियाणा की कुल भूमि का है। गुरु जंगेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? हिसार में। और गुरु जंगेश्वर है, गुरु जंगेश्वर का नाम आपने सुना होगा, ये किन के प्रिय देवता थे? बिश्नोइयों के। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि आदमपुर में काफ़ी बिश्नोई रहते हैं, इसलिए हिसार जिले में गुरु जंगेश्वर के नाम पर वहाँ पे क्या है, एक विश्वविद्यालय की स्थापना 1995 में गुरु जंगेश्वर विश्वविद्यालय के नाम से की गई। आपको ये बात भी साथ में इसमें ऐड कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको याद रखनी है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सिरसा जिले में स्थित है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI कहाँ पे स्थित है? CSRRI आपकी किस वर्ष स्थापना की गई? 1969 में की गई। कहाँ की गई? करनाल में की गई। ये भी आपको क्या है, याद रखना है, 1969 में करनाल में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? नई दिल्ली। नई दिल्ली वो है जिसकी केंद्र शासित राज्य से, और दूसरा केंद्र शासित राज्य आपका क्या है यदि पूछा जा सकता है, वो है चंडीगढ़। तो हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित राज्यों से स्पर्श करती है? तो दो केंद्र शासित राज्यों से, नई दिल्ली और चंडीगढ़, और पांच राज्यों से स्पर्श करती है। पांचवा राज्य उत्तराखंड को माना जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए ये यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। पलवल का पुराना नाम क्या है? अपलवा। पलवल का पुराना नाम क्या है? अपलवा। और पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? 2008 में, 15 अगस्त 2008 में पलवल अस्तित्व में आया। हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा का राज्यपाल। नेक्स्ट 83 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, हमारे साथ रहना और नोट भी करते रहना। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, क्वेश्चंस नोट्स बना लो अपने अच्छे तरीके से। उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से हरियाणा का कौन सा गार्डन विख्यात है? उत्तर भारत में नंदनवन के नाम से पिंजौर का यादवेंद्र उद्यान विख्यात है, आपको इस बात का याद रखना है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षाएं शुरू करने की योजना है? LKG और UKG। हिंदी के उत्कृष्ट कवि खुशीराम शर्मा की कृतियां कौन कौन सी है? प्रेमोपार, रण निमंत्रण, युद्धत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है,
हरियाणा में उपोष्ण कटिबंधीय पाए वन कौन कौन से हैं? वो हैं आपके पाइन, चीड़, खैर, अमलतास, जिंगण, ब्यूल, कचनार। ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन हैं। इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, तो याद रखनी है आपको। हरियाणा के किस जिले में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है? सोनीपत। हरियाणा के में अंतर्विवाह पर प्रोत्साहन राशि कितनी कर दी गई है? पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब ये 101,000 रुपये कर दी गई है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की थी। याद रखना आपने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था बाबा सरवणनाथ ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति राजा के द्वारा। गुड़गांव में शीतला माता मंदिर का निर्माण कब कराया गया? 1650 ईस्वी में। तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना पुराना है, और ये एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है माता शीतला, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु आते हैं माता के यहाँ पे माथा टेकने। तो इसको एक भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से एक संरक्षण क्षेत्र में संरक्षित कर दिया गया है? निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर नोकजा की मजार पर। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में दान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस के उपनामों से जाना जाता है, तो कौन सा है? करनाल। भक्त कवि सूरदास का जन्म सीही गाँव में हुआ। सीही गाँव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको रट ले। जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? नारनौल में। जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल में करवाया था। हरियाणा में कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? हरियाणा में कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य लगभग 1206 ईस्वी में हुआ। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 में। और रजिया बेगम का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाधि कहाँ पे है, तो पहले जहाँ पे ये राजा महाराजा जहाँ मरते थे वहीं पे इनकी समाधि बना दी जाती थी, तो इसकी समाधि कहाँ बना दी गई? इसी प्रकार रजिया बेगम की कहाँ? वेरी गुड, सही दिया आप सब लोगों ने आंसर, कैथल में ही। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके हमारे जो मिशन 1000 क्वेश्चन है उसके तहत ये क्वेश्चन थे, और इस क्वेश्चन को आपने किया अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ, और अच्छे तरीके से करो। और हमारी ये वीडियो है, प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। हमारे और भी काफ़ी सारा मटेरियल्स क्या है हम अपलोड कर रहे हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।